क्या था सस्पेंस नॉरी क्या हाँ एक्चुअली थर्ड टाइम से कार्तिक को शक होता है क्योंकि गायू को पहले भी मेडिसिन लेते हुए देखते हैं वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है उन्हें और देखते हैं कि काफ़ी अलग अलग है पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रही है कहीं ना कहीं शक होता है लेकिन गंगौर में जब लोग पहुँचते हैं पूजा करने तो वहाँ पर यकीन हो जाता है वो नायरा से पूछते भी है कि क्या है यही सच है तो उन्हें बता देती कि हाँ नायरा को भी पता है विवान ऑल्सो नोज दैट एंड दे गेटिंग मैरिड सो शादी हो जाए उसके बाद सबको बताना चाहते हैं वो लोग कि एक बार विवान और गायू की शादी हो जाए फिर वो सबको डिक्लेयर कर देंगे कि येस दे आर प्रेग्नेंट टुगेदर पर उससे पहले ही काफ़ी मिसफॉर्च्यून हो जाता है और देन वी आर नाउ यस विवान का एक्सीडेंट हो गया है एंड जहाँ तक हमें पता है ही इज़ नो मोर और उसके बाद पूरी फैमिली को बहुत धक्का लगा है अभी तक हमने गायू को नहीं बताया था अब जाकर हम उसे बताने आए हैं वहाँ पे रमा दादी की हालत बहुत बुरी है हॉस्पिटल में उन्हें संभाल रहे वहाँ अनमोल समर चाचू अखिल चाचू सब हैं उन्हें संभालने के लिए और यहाँ हम बाकी फैमिली को संभालने और उन्हें बताने आए हैं कि सब ठीक है बाकी बट कहीं ना कहीं रमा दादी की उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और कार्तिक और नारा भी उनके पास हूँ क्या कुछ प्रॉमिस करने वाले हैं गाय को लेकर वॉट वी नो इज़ के विवान कार एक्सीडेंट में ही इज़ नो मो और वो चीज़ें जब दादी को जाके बताई गई तो शी इज़ रियली एक्सटैटिक अबाउट शी इज़ रियली वो हिल चुके हैं उसके सब सुन के एंड शी इज़ नॉट इन हर जोन शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट टू डू सो यू नो वो जो भी बोल रहे हैं कह रहे हैं हम समझ रहे हैं बट एट द सेम टाइम उन्हें संभालना ज़रूरी है इस वक्त और उन्हें ये कहना ज़रूरी है कि गायू इज़ ओके फॉर नाउ बट एक लास्ट क्वेश्चन बट विवान की डेथ हुई गायू प्रेग्नेंट है अब जो कहते हैं ना कि जो शादी की बात है उसकी शादी होने वाली थी विवान के साथ मैं उसके लिए आ रहा था अब वो नहीं अब शादी कैसे होगी एक सेकेंड हाँ राइटर साहब वो पूछ रहे थे कि आगे की स्टोरी क्या है एक सेकेंड में फोन देता हूँ एग्जैक्टली आई डोंट नो कि एग्जैक्टली आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है बट जो हम शूट कर रहे हैं उसमें मुझे पता है कि जो ये सारी बातें हैं कि विवान का डेथ के बारे में हम अभी जाकर गायू को बताने आए हैं पूरा दिन हमने छुपाने की पूरी ट्राई की शी इज़ क्राइंग अ लॉट शी इज़ नॉट इन हर सेंसेस बाय नाउ उन्हें पर इतना पता है कि कुछ है जो कुछ तो बुरा हुआ है उन्हें अब तक पूरी बात नहीं पता तो यहाँ नायरा और कार्तिक अभी हम जाएंगे गायू को सारा सच बताने क्या था क्या हाँ एक्चुअली थर्ड टाइम से कार्तिक को शक होता है क्योंकि गायू को पहले भी मेडिसिन लेते हुए देखते हैं वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है उन्हें और देखते हैं कि काफ़ी अलग अलग है पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रही है कहीं ना कहीं शक होता है लेकिन गंगौर में जब लोग पहुँचते हैं पूजा करने तो वहाँ पर यकीन हो जाता है वो नायरा से पूछते भी है कि क्या है यही सच है तो उन्हें बता देती कि हाँ नायरा को भी पता है विवान ऑल्सो नोज दैट एंड दे आर गेटिंग मैरिड सो शादी हो जाए उसके बाद सबको बताना चाहते हैं वो लोग कि एक बार विवान और गायू की शादी हो जाए फिर वो सबको डिक्लेयर कर देंगे कि येस दे आर प्रेग्नेंट टुगेदर पर उससे पहले ही काफ़ी मिसफॉर्च्यून हो जाता है और देन वी आर नाउ यस विवान का एक्सीडेंट हो गया है एंड जहाँ तक हमें पता है ही इज़ नो मोर और उसके बाद पूरी फैमिली को बहुत धक्का लगा है अभी तक हमने गायू को नहीं बताया था अब जाकर हम उसे बताने आए हैं वहाँ पे रमा दादी की हालत बहुत बुरी है हॉस्पिटल में उन्हें संभाल रहे वहाँ अनमोल समर चाचू अखिल चाचू सब हैं उन्हें संभालने के लिए और यहाँ हम बाकी फैमिली को संभालने और उन्हें बताने आए हैं कि सब ठीक है बाकी बट कहीं ना कहीं रमा दादी की उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और कार्तिक और नारा भी उनके पास हूँ क्या कुछ प्रॉमिस करने वाले हैं गायू को लेकर जो ट्विस्ट आने वाला है विमान के मरने का वो क्या होने वाला है सी
what we know is के रविवान कार एक्सीडेंट में ही इज़ नो मोर, और वो चीज़ें जब दादी को जाके बताई गई तो शी इज़ रियली एक्सटैटिक अबाउट, शी इज़ रियली वो हिल चुके हैं उसके सब सुन के, एंड शी इज़ नॉट इन हर जोन, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू. सो यू नो वो जो भी बोल रहे हैं कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें संभालना ज़रूरी है इस वक्त, और उन्हें ये कहना ज़रूरी है कि गायू इज़ ओके फॉर नाउ. बट विवान की डेथ हुई, गायु प्रेग्नेंट है. अब जो कहते हैं ना कि जो शादी की बात है, उसकी शादी होने वाली थी विवान के साथ और उसके लिए आ रहा था, अब वो नहीं, अब शादी कैसे होगी, ट्विस्ट कैसे, क्योंकि कार्तिक नायरा जो है. एक सेकेंड. हाँ राइटर साहब, वो पूछ रहे थे कि आगे की स्टोरी क्या है. एक सेकेंड में फोन देता हूँ. एग्जैक्टली आई डोंट नो कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, बट जो हम शूट कर रहे हैं उसमें मुझे पता है कि जो ये सारी बातें हैं कि विवान का डेथ के बारे में हम अभी जाकर गायू को बताने आए हैं. पूरा दिन हमने छुपाने की पूरी ट्राई की. शी इज़ क्राइंग अ लॉट, शी इज़ नॉट इन हर सेंसेस बाय नाउ. उन्हें पर इतना पता है कि कुछ है जो कुछ तो बुरा हुआ है, उन्हें अब तक पूरी बात नहीं पता. तो यहाँ नायरा और कार्तिक अभी हम जाएंगे गायु को सारा सच बताने.